अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई न्यू सब्सटेंसेस या न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, उस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो केमिकली चेंज हो जाती हैं, अब जो उससे प्रोडक्ट बने हैं वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम रिएक्टेंट्स। कल हमने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो कि केमिकल चेंज है। ठीक है, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ये आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो अपनी फूड हूद बनाते हैं। तो उस फूड बनाने में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से लेंगे, वाटर जो आप जो है प्लांट को देते हैं वाटर, और सनलाइट की मौजूदगी में, और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जो कि प्लांट में मौजूद होते हैं, इसी वजह से उनका कलर ग्रीन होता है। उस पिगमेंट की मौजूदगी में वो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, जो कि फूड के तौर पर स्टोर हो जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। तो ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट से इंटायरली डिफरेंट है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन ऑफ द एयर रिएक्ट विद फूड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज़ यूज टू परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। अब रेस्पिरेशन जो हमारे अंदर प्रोसेस हो रहा है, हम अपनी फूड खुद नहीं बना रहे, जो हमने फूड प्लांट से ली वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज थी। ठीक है, ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये स्मॉल जो है वो उसमें कन्वर्ट होगी, स्मॉल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होगी, इससे एनर्जी रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर देंगे, वाटर और एनर्जी, और ये एनर्जी जो है वो हम लोग अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए, बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए इसको, इस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि आप फूड खाना ना खाएं तो आप में एनर्जी नहीं होती कि आप कोई काम कर सकें, जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आप में एनर्जी आ जाती है, वो एनर्जी आपको इस फूड से मिल रही है। इसी तरीके से ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, और ये इसका रिवर्स रिएक्शन है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्स द केमिकल चेंज विच आर ब्रॉट अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच केमिकल चेंज और रिएक्शन आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शन। ठीक है, ये फर्मेंटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है कि ऐसे रिएक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की मौजूदगी में होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपको पता है बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस, जैसे बैक्टीरिया ज़्यादातर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ये योगर्ट को मिल्क में कन्वर्ट, मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह बेकिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जैसे आप लोग यीस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं बेकिंग प्रोडक्ट्स में, तो वो भी बैक्टीरिया ही होता है जो उसको प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन रिएक्शंस। ठीक है, फिर यह आपको है यहाँ पे एक्टिविटी है। इसमें क्या हुआ है कि चाइना डिश है, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, सल्फर पाउडर और आयरन टर्निंग्स, मतलब आयरन के छोटे छोटे पीस हैं और सल्फर पाउडर है। टेक अ फ्यू आयरन टर्निंग्स एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश। आपने चाइना डिश में जो है वो आयरन टर्निंग्स डाली हैं और उसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर डाला है। हीट द कॉन्टेंट्स ऑफ अ चाइना डिश फॉर अ फ्यू मिनट्स एज शोन इन द फिगर। स्टॉप हीटिंग एंड ऑब्जर्व द कॉन्टेंट इन दिस चाइना डिश, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कहने कि इससे आपने क्या हुआ, अब हम नीचे पढ़ते हैं कि जब जो हमने सल्फर आयरन था, जब उसको सल्फर के साथ वो रिएक्ट करेगा और बना देता है आयरन सल्फाइड। द रिज़ल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड। तो जो वो है ब्लैक मैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कलर चेंज भी होगा, इससे पता चल जाता है कि ये केमिकल रिएक्शन हो गया है। और देखें कि आयरन जो है वो सल्फाइड, सल्फर से मिलकर बना देगा आयरन सल्फाइड। तो ये एक न्यू रिएक्शन, मतलब एक जो है वो रिएक्टेंट्स थे, न्यू उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि आयरन को रस्ट लग जाता है, जैसे आजकल जो है बारिश का मौसम है, अगर कोई भी लोहे की चीज़ बाहर पड़ी हो तो उस पर जंग लग जाता है, तो वो रस्टिंग होती है जो कि आयरन के ऊपर जो है वो जंग लग जाता है, उसका रिएक्शन। उसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है ये आप देखें। द आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन
एंड इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, वो मॉइस्चर की मौजूदगी में होगा, मतलब नमी की मौजूदगी में होगा, जैसे बारिश का पानी होता है वो खड़ा हो जाता है इस वजह से। तो वो लोहे को जो है उसके ऊपर जंग लग जाता है, ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमोसफेयर में मौजूद है वो इस आयरन के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन वो रिएक्ट किसकी मौजूदगी में करेगी, मॉइस्चर। तो इसके लिए मॉइस्चर होना लाजमी होगा और इसको आयरन ऑक्साइड में चेंज कर देगी, जो कि हम कहते हैं कि जंग लग गया आयरन को। ठीक है, तो आपने ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये रिएक्शंस आपको आने चाहिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और उसके अलावा जो आपने पीछे फर्मेंटेशन रिएक्शन पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन रिएक्शन, तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं इसके बारे में, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अल्लाह हाफिज़।